बाहर तो बहुत बारिश हो रही है 3-4 दिन से, काफी रोड भी बह गई, तो मैं खुद अवॉइड करता हूँ और दूसरों को भी बोलता हूँ कि जब आप ऐसा सीन चल रहा है, बारिश हो रही है, तो अवॉइड करें माउंटेन्स में जाना, थोड़ा एक्सप्लोरिंग कम करें, लेकिन घर रह के कुछ तो करना है और आप लोगों तक कुछ तो इन्फॉर्मेशन लानी है। तो आज हम हैं परनीत सर। सर तो ऑफिशियली वैसे भैया है, मेरे साथ सुबह जिम करते हैं। भैया ही है, भैया ही है भाई, प्लीज़। तो मेरे साथ जिम करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। ओके भाई, पहली बात तो हैरी मेरे भाई, जय माता दी, जय माता दी भाई हैरी के सब व्यूअर्स को। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भाई मेरा नाम प्रनीत मेहता है, मैं पटेल नगर का रहने वाला हूं। जैसे पटेल नगर लोग शब्द सुनते हैं हैरी, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। हाँ, मैं उसी माहौल में रह के पला बड़ा और एक नॉर्मल आदमी हूँ। तो प्लीज़, ये हैरी यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की तरह मुझे लेकर है, बट अ कॉमन मैन, प्लीज़। पहली चीज़। सेकंड थिंग जी, मेरी स्कूलिंग मेरे मम्मी पापा और मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा काम करा कि एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करी, दैट वाज ऑन माय स्कूलिंग, और मुझे सेंट जोसेफ एकेडमी जैसी जगह पे पढ़ाया। फिलहाल मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हूँ, दैट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट दैट एन इंजीनियर कैन गेट। बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि यार मर्चेंट नेवी एज अ करियर, मर्चेंट नेवी और नेवी को इंडियन नेवी में, हाँ, कंफ्यूज करते हैं लोग, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मर्चेंट नेवी और नेवी दोनों एक ही है कि नहीं, ये सारी बातें। आप कब मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, 10, 12, क्या आपको कोर्स करना चाहिए? और लोगों की सबसे ज्यादा फैंटेसी पता क्या रहती है यार? पैसा। मैंने भी इसीलिए ज्वाइन करी। तो देखो, सैलरी इज द मेन इशू क्या, मतलब लोगों को लगता है कि मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है। तो आज हम सारे सवाल जवाब यहाँ क्लियर करेंगे। आई होप कि दिस वीडियो ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग एंड हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आई ड्रॉप द लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन कि यार इन्होंने फ्री क्लासेस दी हैं, आप स्पेशली फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको पता है कि आजकल फ्री वाला बहुत चल रहा है। तो एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड फ्री, मैं उसका भी रीजन दूंगा। हाँ, तो पहला ही सवाल ये मेरे से है कि व्हाई मर्चेंट नेवी। व्हाई से पहले शुरू करते हैं, मर्चेंट नेवी है क्या, लेट्स सी। ठीक है, डन करते हैं, इनको ज्यादा पता है। ठीक है ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। देखो, होता क्या है, मैं जब जहाज पे जाता हूँ तो आता हूँ तो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं ऐसा, अच्छा रहते कहाँ पर हो भाई, जहाज पे रहते हैं, अच्छा पानी पे रहते हो सारा टाइम, अच्छा 6 महीने जाते हो, 6 महीने आते हो, ये सारे मिथ्स हैं कि 6 महीने रहोगे जहाज पे तो सैलरी मिलेगी, 6 महीने नहीं रहोगे तो तब भी सैलरी चलती है। तो सी, पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है मर्चेंट नेवी और एक होती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी जी सरकारी नौकरी है। इंडियन नेवी, कोई पूछे कि मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी में क्या बेटर है, मैं हैंड्स ऑन बोलता हूँ जी, देश की सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। वो जो जुनून जो होता है, जैसे आपने शेरशाह पिक्चर देखी होगी, जो चीज़ निकल गई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मिलती है, वो पैसे से कभी नहीं मिल सकती। देन सो इंडियन नेवी यहाँ पर है। नाउ अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं, देखिए अगर आप क्लास 12 स्टूडेंट, आप इंडियन नेवी जाना चाहते हैं, तो जी आप एनडीए का एग्जाम क्लियर कीजिए, वेरी टफ। 6 लाख बच्चा एग्जाम देता है और फाइनली सिर्फ 335 का सिलेक्शन होता है। इट इज़ द टफेस्ट एग्जाम इन द एंटायर कंट्री। बता दिया, अब आते हैं मर्चेंट नेवी। सी, अभी आप लोगों ने बीच में थोड़ा सुना होगा कि स्विस कैनाल में से एवरग्रीन करके एक जहाज जा रहा था, बीच में रोक लिया और $1 बिलियन का नुकसान हुआ। ये मर्चेंट नेवी है। कहा जाता है कि अगर 10 दिन के लिए दुनिया की मर्चेंट नेवी के जहाज़ों को रोक दिया जाए, बाबूजी 15 दिन के अंदर अंदर आधे से ज़्यादा दुनिया जो है भुखमरी का शिकार बन सकती है, दैट इज़ मर्चेंट नेवी। बहुत सिंपल और बहुत बिल्कुल बेसिक टर्म्स में ही बात करते हैं कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप अपना मर्चेंट नेवी का सफ़र, कौन सी क्लास से, 10th, 12th या ग्रेजुएशन के बाद क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, मैंने जैसे बोला कि लोगों को फैंटेसी रहती है कि यार पैसा बहुत मिलता है मर्चेंट नेवी में। मैं मर्चेंट नेवी को एक और सेक्शन बनाता हूँ, दूसरे भाव में था, दैट इज़ ऑफिसर एंड रेटिंग। मतलब एक तो हो गया ऑफिसर, एक हो गया रेटिंग। तो पहले जैसे कि मैं चीफ इंजीनियर तो मैं ऑफिसर हो गया, राइट। अब मैं ऑफिसर में क्या क्या आते हैं, डेक साइड पे देखें तो कैप्टन होता है, चीफ ऑफिसर होता है, सेकंड ऑफिसर होता है, थर्ड ऑफिसर होता है, डेक कैडेट होता है, ये ऑफिसर रेटिंग में आते हैं। उसी तरह इंजन साइड में चीफ इंजीनियर होता है, सेकंड इंजीनियर होता है, थर्ड इंजीनियर होता है, फोर्थ इंजीनियर होता है, इंजन कैडेट होता है, ये लोग इंजन साइड में ऑफिसर्स में आ गए। अब जब हम रेटिंग बात करते हैं, जो कि इनके नीचे काम करते हैं, भाई हम लोग इंजीनियर, हमें काम करने के, हमारे साथ हमें लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए। कि एक ऑन एन एवरेज एक शिप में कितने लोग होते हैं? 20 से लेकर 30 लोगों, 20 से 30 लोगों के बीच में, तो डिपेंडिंग कि भैया कितना बड़ा जहाज है और कंपनी कितना खर्चा कर सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो जब मैं रेटिंग, जो हमारे नीचे काम करते हैं, जैसे उसके अंदर क्या होगा, एक बोसन होगा, ऑयलर होंगे, फिटर होगा,
उसके अलावा OS होगा, ऑर्डिनरी सीमैन, एबल सीमैन होंगे, ये सब नाम है, कुछ रैंकिंग्स के नाम दिए हुए हैं, ये आते हैं नीचे जो हमारे। उसके अलावा गैली स्टाफ के अंदर जो कि हमारा खाना चीफ कुक होगा, एक स्टीवर्ड होगा, स्टीवर्ड रहेगा जो कि हमारे कैबिन वगैरह साफ करते हैं, बाकी अकोमोडेशन क्लीनिंग वगैरह हो गई, और गैली का काम करने के लिए चीफ कुक रहेगा जो कि बढ़िया खाना खिलाएगा हमें, तभी हम भैया काम कर पाएंगे जहाज पे। डन। तो जब मैं ऑफिसर की बात करता हूँ, अगर आपको ऑफिसर की तरह ज्वाइन करना है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लेते हैं से हम लोग बात करते हैं डेक साइड की। तो अभी आज की डेट में डेक साइड में अगर ऑफिसर में आपको जाना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देर आर टू कोर्सेज, या तो आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कीजिए या फिर BSc नॉटिकल साइंस कीजिए। आपके पास 12th के अंदर PCM होनी चाहिए पहली बात, और PCM में भी मिनिमम क्राइटेरिया जब आप बोर्ड के एग्जाम से, तो 60% मिनिमम होना चाहिए। बट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जितनी अच्छी कंपनी में आप जाना चाहेंगे, वो उतना अच्छा आपका क्रेडिबिलिटी देखना चाहती है, तो जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपके उतना बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है कि IMU CET करके एग्ज़ाम होते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, दलालों से रहिए सावधान। आप लोग बहुत सारे ऐड देखते होंगे, मर्चेंट नेवी, लाखों के सपने, आपको सजावट ये मिलेगी, आप ये कीजिए, और ये बच्चे फिर एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां पर वो बेचारे 2-2.5 लाख रुपए देते हैं, फिर 3 लाख मांगते हैं, फिर 2 लाख मांगते हैं। अगर आप एग्जाम क्लियर किए बिना इन सपनों में किसी ने बोला कि लाखों की सैलरी लग जाएगी और 2-3 लाख देते हो जाएगा, प्लीज मत ज्वाइन कीजिएगा। आप एजेंट्स के चक्कर में पड़ेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, अपने परिवार को और अपने आप को जिंदगी भर के लिए एक ऐसी तकलीफ में डालेंगे कि जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। सो द प्राइम मोटिव वाज एक्चुअली दिस ओनली, कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार मर्चेंट नेवी जाने, क्योंकि आजकल हाइप में है मर्चेंट नेवी, ऑब्वियसली क्योंकि हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं। तो आप एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं हम। सो आई होप कि ये सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचे, और यू जस्ट कीप अ क्लोज लुक ऑन एवरीथिंग विच प्रणीत भैया इज टेलिंग यू। ओके, आगे बढ़ता हूँ, अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। तो IMU CET का एग्जाम होता है साल में 2 बार, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, JMDI अकेडमी देहरादून सेवला कला चाक में, आप इनके नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगी, बिल्कुल बिंदास, जय माता दी, बिना एक पैसा पे के, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, और कोई गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी, पहली चीज। सो दैट यू कैन अवेल दिस स्पेशल एस्थेटिक वर्जन ऑफर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप फ्री में भी नॉलेज बांट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्री में बहुत कुछ चल रहा है YouTube पे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आपको पता है कि मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया 10वीं और 12वीं के बाद भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते दोनों हैं। अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल, अभी जैसे मैंने अभी क्लास 12th का डेक साइड का और BSc, अब इसमें क्या है कि इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का जब आप एग्जाम देते हैं, साइंस साइड होनी जरूरी है। अगर आपका साइंस साइड है, आपने 12th का एग्जाम दिया, आपके अच्छे नंबर आए, आपने IMU CET एग्जाम क्लियर किया, उसके अलावा क्या होता है, अब या तो अगर आपको BSc करनी है, BSc नॉटिकल साइंस, तो एक कॉलेज है तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट पुणे में, 100% प्लेसमेंट है, 100% नौकरी लगेगी, और अच्छी अच्छी कंपनी में टॉम टैंकर्स, मित्सुई आती है वहाँ पर, NYK आती है, मैं कुछ कंपनी के लाइंस कुछ ही कंपनी से नाम बता रहा हूँ, लेकिन फीस कितनी है, कम से कम 15-18 लाख रुपए, 3 साल की फीस, और BSc की डिग्री है। आपको एजुकेशन लोन भी मिलेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। डन हो गया। अब बात करते हैं कि भैया इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और थोड़ी सेफ साइड चाहिए, तो एक है ये डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, लेकिन ये जो डिप्लोमा है, चिंता मत कीजिए, डिप्लोमा नहीं है, ये भी BSc की डिग्री बन जाती है जैसे आप कैडेटशिप कंप्लीट करते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे डिप्लोमा रहेगा, कल को मैं अगर मैं हायर स्टडीज़ करना चाहता हूँ, मैं MBA करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये BSc की डिग्री बन जाएगी। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में क्या है, आप इसका खास तरीके से निकाला सरकार ने, क्या किया इन्होंने, जब DNS लॉन्च किया ना हैरी, तो बहुत सारे बच्चे गए DNS करने के अलग अलग कॉलेजेस में, कॉलेजेस ने दबा के बच्चे लिए, लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिली, कुछ बच्चों ने साइड भी कमिट कर लिया। ये जिसकी सच्चाई ये है, ये आपको अवगत करना जरूरी है। कुछ बच्चों को जब नौकरी मिली, बेचारा देखा कि पैसे लगे, माँ बाप को क्या जवाब दे, साइड कमिट कर लिया जी, सरकार को झटका लगा, तब उन्होंने बोला कि जी अगर आप DNS कर रहे हो तो आपके पास नौकरी पहले होगी, तब आप कोर्स करोगे। और ये हिंदुस्तान के करिकुलम में किसी और जगह पे नहीं है, मर्चेंट नेवी में है। तो पहले क्या होता है, एक स्पॉन्सरशिप का एग्जाम होगा, अलग अलग कंपनीज, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, स्कॉर्पियो, सिनर्जी, फ्लीट मैनेजमेंट, टॉम टैंकर्स, ये सब अलग अलग कंपनीज अपने अपने एग्जाम पहले कंडक्ट करती हैं। तो जैसे हैरी के 12th में 75% आए हैं, तो हैरी ने बोला कि भैया अब मैं क्या करूं, मैंने बोला स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दो। तो जब हैरी ने स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दिया, वहां पर इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जहां पर इसकी साइकोलॉजी चेक करेगी भाई मर्चेंट नेवी फिट है कि नहीं है, एक मेडिकल होगा। उसके बाद जब एंग्लो ने सिलेक्ट कर लिया या स्कॉर्पियो सिनर्जी सिलेक्ट कर लिया, अब हैरी जब उनके कॉलेज में पढ़ेगा, फीस तो अपनी पे करेगा, लेकिन नौकरी पहले पक्की हो गई कि ये भैया इसी शिपिंग कंपनी के लिए तय हो गया। तो जिम्मे जिंक 100% प्लेसमेंट की जानकारी मिल गई कि नौकरी पहले है। इसी तरह ये डेक साइड के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं, तो इसी में क्लास 12th में ही PCM के बाद आपने मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप
आप क्या करें, IMACT दिया, एक बीटेक जैसे BSc नॉटिकल साइंस, उस तरह बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जो कि मैंने करी थी, मरीन इंजीनियरिंग। तो ये मैं हिंदुस्तान में सिर्फ दो कॉलेजेस को आज के डेट में प्रमोट करता हूँ, दैट इज़ IMU कोलकाता, दैट इज़ MERI कोलकाता, मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता कॉलेज जिसे मैं पढ़ाऊँ, और दूसरा है तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट पुणे। इन दो कॉलेजेस में आज भी 70-80% प्लेसमेंट है, जहाँ पर तुलानी की फीस 25 लाख रुपये है, अगेन लोन मिलेगा बहुत हाई है, और MERI कोलकाता की फीस 8-9 लाख रुपये 4 साल की, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 8 या 9 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, या नौकरी नहीं मिल रही है, भटक रही है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अरे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितने बच्चे मैं प्रमोट कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट नेवी में एक GME का कोर्स होता है, वो करके आप मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 10वीं 12वीं मतलब रेटिंग से बात करते हैं, 10वीं 12वीं और कॉमर्स का बच्चा, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है कि नहीं? GP रेटिंग का कोर्स है, उन्हें भी कोई पेपर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दो ही कॉलेज है हिंदुस्तान में जिनको मैं आज की डेट में प्रमोट करता हूँ, तीन कॉलेज, एक है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का कॉलेज है, जहाँ पर ITI करे हुए बच्चे जा सकते हैं, लेकिन फीस है 5 लाख रुपए, लेकिन नौकरी लग जाएगी। एक है TS रहमान कॉलेज मुंबई में, वहाँ का प्लेसमेंट ठीक ठाक है। तो जितने बच्चे चीफ कुक करके जाना चाहते हैं, रेटिंग करके जाना चाहते हैं, स्टीवर्ड बनना चाहते हैं, या फिर OS AB बनना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। एक नूसी गोवा में, ये तीन कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में, इसी के लिए प्लीज़ कोशिश कीजिए। तो आप 10वीं और 12वीं करके इन तीन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो कॉमर्स वाला भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है, बट मैं फिर से कहूँगा, अगर आप अच्छे स्कूल के बच्चे हो, आपने अच्छी एजुकेशन पाई हुई है, तो आप फिर क्रू के लिए मत सोचिए, उससे बढ़िया आप ज़मीन पर रह के बहुत अच्छा कर सकते हैं यार। 10वीं 12वीं और कॉमर्स वाला भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एज ही सेड कि आपको एक एक हाई एम होना चाहिए, एम फॉर द मून, देन ओनली यू लैंड फॉर द स्टार्स। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज सैलरी। तो सैलरी कितनी? भाई देखिए, पहली बात, मैं पंजाबी परिवार को बिलोंग करता हूँ, पटेल नगर के रहने वाला हूँ, तो सैलरी सूलरी तो जय माता दी। अपनी सैलरी तो मैं ऑफकोर्स डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से कैलकुलेट करके जेन्युइन बताऊँगा। फर्स्ट थिंग इज, एक डेक कैडेट की सैलरी इज अराउंड $400 to $500 अ मंथ, देन एक एवरेज शिपिंग कंपनी में। सेम गोज फॉर, उसी तरह एक इंजन कैडेट की इंजन साइड पे सैलरीज $400 to $500 अ मंथ। फिर आते हैं हम एक थर्ड ऑफिसर, एक थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है अराउंड $2,000 to $3,000 अ मंथ, वही सेम सैलरी एक फोर्थ इंजीनियर की होती है। फिर एक सेकेंड ऑफिसर की सैलरी इज अराउंड $3,000 to $3,500 अ मंथ, वही सैलरी एक थर्ड इंजीनियर की होती है। एक चीफ ऑफिसर की सैलरी पे एक जंप मिलता है आपको, जो कि सिमिलरली एक सेकंड ईयर की सैलरी पे जंप मिलता है, जहां पर आपकी सैलरी कैन वेरी फ्रॉम $6,500 to $10,000 अ मंथ, वही सेम इंजन साइड के लिए। और एक कैप्टन की सैलरी, चीफ इंजीनियर की सैलरी कैन वेरी फ्रॉम $9,000 अ मंथ टू इवन $22,000 अ मंथ, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस शिपिंग कंपनी में सेल कर रहे हो। पहली बात, जितनी अच्छी शिपिंग होनी उतना सैलरी देगी, और किस तरह के टाइप ऑफ शिप्स पे सेल कर रहे हो। जैसे कि आप बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हो, जहाँ पर रिस्क बहुत कम है, वहाँ पर एक कैप्टन की सैलरी विल बी अराउंड $9,000 to $10,000 अ मंथ। लेकिन अगर आप वही वो कैप्टन टैंकर पे सेल कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी होगी अराउंड $14,000 to $15,000 अ मंथ। वहीं पर वो कैप्टन अगर वो LPG कैरियर पे सेल कर रहा है, गैस कैरियर पे, तो उनकी सैलरी कैन गो अप टू $18,000 अ मंथ। बट जितना टफ शिप होता जाएगा, उतना आपका प्रमोशन भी स्लो होता जाता है, उतने ही आपको ऊपर कम लोग मिलते हैं। तो हर चीज़ इन्वॉल्व है, सैलरी देख के मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा खास बोलना है। जैसे ही आप साल में 6 महीने सेल करते हो हैरी, यू बिकम NRE। अब आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है सरकार को। सो ऑल दैट मनी दैट यू हैव अर्नड, से सपोज कर लो, अगर एक सैलरी सपोज रैंडम आता है, सपोज किसी की 4 लाख रुपये पर मंथ है, तो आपने 6 महीने में 24 लाख कमाए, वो पूरा आपका वाइट मनी हो गया 24 लाख रुपए। मतलब आपकी एवरेज 2 लाख रुपए इन हैंड की सैलरी बन गई 6 महीने काम करके, और लैंड पे अगर 2 लाख रुपए इन हैंड सैलरी, तो कम से कम 36 लाख का पैकेज होना चाहिए। कितने लोगों को होता है, और ये मैं कम सैलरी बता रहा हूँ। बट मर्चेंट नेवी की खास बात ये है सर, कि मर्चेंट नेवी जितने लोग ज्वाइन करते हैं, उतने ही लोग धीरे धीरे साथ साथ छोड़ते भी रहते हैं। वाई आई टेल यू, टफ लाइफ, स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली इज नॉट ईजी, आसान लगता है, आसान है नहीं। एक टाइम के बाद हैरी, अभी देखो आपकी एज में वो लगेगा यार पैसा पैसा पैसा, इसलिए लगता है यार जिसके लिए कर रहे हैं उनको सर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो किस काम का पैसा, यू गेटिंग अ पॉइंट। तो
साथ साथ लोग शोर जॉब पे जाते हैं, मर्चेंट नेवी में सर सेलिंग ही नहीं, आप शोर जॉब कर सकते हो, आप हांगकांग, यूएस, सिंगापुर जैसी जगह जाके शिपिंग कंपनीज में आप शोर जॉब में काम कर सकते हो। भाई कंपनी जो चला रहे हैं वो भी तो शिपिंग वाले लोग हैं ना, तो शोर जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ है, गुड़गांव में अपॉर्चुनिटीज़ है, नोएडा में अपॉर्चुनिटीज़ है, मुंबई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी थोड़ी कम है लेकिन लोग सेटिस्फाइड है वहाँ पे। तो सेलिंग इज़ नॉट ईजी, बहुत चैलेंजेस हैं, सिर्फ पैसा देख के जन्म सीखो कि जो आपको पैसा दे रहा है सर वो पूरा उसका जूस निकाल लेता है। सीधी सी बात है, आपको समझनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत फैसिनेटेड लाइफ दिखती है मरीनर्स की, पर उसके पीछे की स्ट्रगल तो वही जानते हैं। सो आज हमने सारी ए टू जेड मर्चेंट नेवी के बारे में सब बताया आपको कि आपको कब ज्वाइन करते हैं, 10, 12 कॉमर्स वाले, साइंस वाले, कौन से कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा पेपर आप दे सकते हैं। ये एक जनरल व्यू था, मतलब ऑल्दो ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है और एट हैंड एक्सपीरियंस दिखाया बिकॉज ये शिप पे रह चुके हैं और एक रैंक्ड ऑफिसर हैं। कीप वर्किंग हार्ड, फोकस कीजिए, मैं आपको नहीं अपने आप को भी कह रहा हूँ क्योंकि जिंदगी भी बहुत लंबी और कामयाबी बहुत दूर है। विद दिस ऑल आई कैन से इज जय माता दी। ठीक है, सो बहुत कुछ सीखने को आपको ही मिला होगा और मुझे तो डेफिनेटली, मैं मेरे को जिम पार्टनर है, सुबह हम साथ में जिम करते, मोटिवेशन फैक्टर इतना रहता है ना इनके साथ ना, ये मुझे, मैं कभी कभार बताता हूँ कि यार मेरी इससे ऐसा हो गया, कोई आया तो ऐसा बोलता है कि ये सर, तो ये मोटिवेशन फैक्टर अलग है। तो ये तो पहला स्टार्ट था जस्ट कि क्योंकि बाहर बारिशें चल रही हैं, इतने कुछ कर तो सकते नहीं, ट्रैवल नहीं कर सकते अननेसेसरली एक्सप्लोर करके, मैं किसी को और मोटिवेट भी नहीं करना चाहता कि यार आप जाओ और ट्रैवल करो, तो कुछ एक इंटरेक्टिव सेशन करना था और एक नॉलेज इम्पार्ट करनी थी, तो इनके साथ एक वीडियो बनाया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स मेनी पीपल हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। इसके बाद हम और भी वीडियो लेके आएंगे डेफिनेटली, आप अभी आज ही हमने बात करी, अगर लोगों को अच्छा लगेगा, रिस्पांस अच्छा मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पांस ओनली। अगर आपको अच्छा लगा, आपने शेयर किया अपने दोस्त के साथ, या आप डेफिनेटली शेयर करेंगे जिनको मर्चेंट नेवी जाना है, अपने भाई है, कोई फ्रेंड है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, उनके साथ वीडियो शेयर करिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है देन वील कमिंग अप विद दी अदर वीडियोज एज वेल, वेयर आप एनडीए क्या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे और भी ऐसे डिफेंस सर्विसेज के क्वेश्चन हैं, तो वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ अभी हम आपसे विदा लेते हैं, सी यू सम अदर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय माता दी।